हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो का टॉपिक है डिफिनेशंस ऑफ सेफ्टी, हजार्ड, एक्सीडेंट, नियर मिस, अनसेफ फैक्ट, अनसेफ कंडीशन, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ सेफ्टी। अभी हम वन बाय वन चलेंगे। What is the definition of safety? It is a control technique which gives freedom from hazard, risk and accident to the level desired. And it can be achieved by making a system or process. In safety, एक technique और control है जिससे हम hazard, risk और accident से free रहते हैं, और इसको प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना होता है। अगर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो इसको हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा है हजार्ड, एनी सोर्स ऑफ सिचुएशन विच हैज पोटेंशियल टू हार्म। कोई भी ऐसी सिचुएशन और सोर्स जिससे नुकसान पहुंचने की संभावना है वही हजार्ड है। जैसे एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, हैवी ओवर बर्डन ऑन एज ऑफ एक्सकवेशन। एक्सकवेशन के एज पे अगर आप ज्यादा ओवर बर्डन कर देंगे तो गिर जाएगा, सो दिस इज हजार्ड। स्टेयरकेस विदाउट रेलिंग, घर का जो सीढ़ी है अगर उसपे आपने रेलिंग नहीं दिया तो दैट इज ऑल्सो ए हजार्ड। वाटर ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे पानी गिरा हुआ है तो भी एक हजार्ड है। कोड पोजिंग ए ट्रिपिंग हजार्ड, कोड अगर है फर्श पे गिरा हुआ और उससे हम क्रॉस कर रहे आने जाने में तो भी एक हजार्ड है, उसमें फंस के गिर सकते हैं। कीबोर्ड सिचुएशन दैट डे पोज ए रिस्क स्ट्रेन इंजरी। कंप्यूटर का कीबोर्ड है, अगर उस पर कंटिन्यूअस आप यूज करेंगे तो रिस्ट पे वहाँ पे स्ट्रेन आएगा और वहाँ पे पेन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सीडेंट क्या है। एक्सीडेंट इज अनवांटेड, अनप्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच रिजल्टेड इन इंजरी और डैमेज टू प्रॉपर्टी। इट इज ऑलवेज ए सडन प्रोसेस एंड नॉट ए ग्रेजुअल वन। इट कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड इन एडवांस। मीन एक्सीडेंट एक अनवांटेड इवेंट है, अनप्लान्ड इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसे हम चाहते नहीं, और अगर ये होता है तो इससे हमें इंजुरी होती है, प्रॉपर्टी की डैमेज होती है, मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये है जो सडन प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे होता है और हम जब कोई गलती करते हैं उसके वजह से होता है, जिसकी जानकारी, पूर्व जानकारी हमें नहीं होती। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नियर मिस। नियर मिस इज ए अनप्लान्ड इवेंट दैट डिड नॉट रिजल्ट इन इंजुरी और डैमेज बट हैड द पोटेंशियल टू डू सो। मतलब नियर मिस ये भी एक अनप्लान्ड इवेंट है बट इसमें इंजुरी नहीं होती है, बट इसमें पूरी पूरी पोटेंशियल रहती है नुकसान पहुंचाने का, और इवेन इसमें हाई हजार नियर मिस अगर है तो वहां पे फैटलिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, मटेरियल फेल फ्रॉम हाइट बट डिड नॉट इंज्योर वन। मतलब मटेरियल किसी के बगल में गिरा, उसके ऊपर नहीं गिरा, अगर उसके ऊपर गिरता तो फैटल भी हो सकता था, मेजर भी हो सकता था। नेक्स्ट चलते हैं, अब अनसेफ एक्सीडेंट होता क्यों है। तो यहाँ पे दो ही कारण है एक्सीडेंट होने का, एक है अनसेफ एक्ट और दूसरा है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट मतलब जो गलती आदमी के द्वारा किया जाता है, मतलब ये टास्क और एक्टिविटी डेट इज कंडक्टेड इन ए मैनर डेट मे बी थ्रेटन टू द हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब अगर कोई काम हम इस तरह से गलत तरह से करते हैं जिसके कारण हमारे हेल्थ पे और हमारी सेफ्टी पे असर होता है, हमारे उसके लिए खतरनाक है, तो उसको हम लोग अनसेफ एक्ट बोलते हैं। अनसेफ एक्ट जो है, इसके हम एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे ऑपरेटिंग इक्विपमेंट एंड इम्प्रॉपर स्पीड। बहुत ज़्यादा स्पीड पे अगर हम किसी भी इक्विपमेंट को चलाएंगे, सो यू कैन से दिस इज अ अनसेफ एक्ट। ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, आपके पास अथॉरिटी नहीं है और कोई भी चीज़ को अगर आप ऑपरेट करेंगे तो अनसेफ एक्ट है। फेलियर टू यूज पीपी, जहाँ पे पीपी यूज करने की ज़रूरत है और वहाँ पे आप नहीं पहन रहे हो तो अनसेफ एक्ट है। यूजिंग ड्रग अल्कोहल एट वर्क प्लेस, काम के जगह पे अगर हम ड्रग और अल्कोहल पी के आते हैं तो अनसेफ एक्ट है। इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, गलत ढंग से उठाते हैं कोई भी चीज़ को।
या गलत ढंग से हम किसी चीज़ को लोडिंग करते हैं, या कोई हजार्डस सिचुएशन है और उसको हमने आदमी को किसी को वार नहीं किया, फेलियर टू वार्न पर्सन अबाउट एनी डेंजरस सिचुएशन, ते भी अनसेफ एक्ट है। ऑन हॉर्स प्ले एट द वर्क लोकेशन, दिस इज ऑल्सो अनसेफ एक्ट। नेक्स्ट है जो एक्सीडेंट होने का जो कारण है वो है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन है जो जनरली जॉब रिलेटेड होता है, टेक्निकल कॉजेज होते हैं, डिफेक्टिव मशीन में कुछ डिफेक्ट होने के वजह से होता है और इसके कारण एक्सीडेंट होता है। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, इनएडिक्वेट सपोर्ट और गार्ड्स। मशीन में या तो गार्ड है ही नहीं या सही ढंग से गार्ड नहीं लगा हुआ। इनएडिक्वेट वार्निंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम ठीक ठाक नहीं है। पुअर हाउस कीपिंग, वर्किंग प्लेस पे हाउस कीपिंग इतनी पुअर है कि वहाँ भी एक्सीडेंट होने का संभावना हो सकती है। हजार्डस एटमोस्फेरिक कंडीशन, ऐसे प्लेस जहाँ पे कि टॉक्सिक गैसेज या फ्लेमेबल गैसेज का रिसाव है या वहाँ पे उसका क्लाउड बना हुआ है, तो डेट इज ऑल्सो यू कैन से दिस इज अनसेफ कंडीशन। पुअर इल्यूमिनेशन, ऐसे जगह पे जहाँ पे कि लाइटिंग ही ठीक ठाक नहीं है तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट होने का डर है। पुअर वेंटिलेशन, ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे कि हवा का प्रवाह नहीं है, हवा का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। स्लिपरी फ्लोर, ऐसे फ्लोर पे चल रहे हैं जो स्लिपरी है, कभी भी गिर के एक्सीडेंट होने का डर होता है। एक्सेसिव नॉइज, ऐसे जगह पे आप काम कर रहे हो जहाँ पे काफ़ी नॉइज है तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट होने का डर रहता है। यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट, डिफेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना ये भी एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। लिफ्टिंग मटेरियल इन रॉन्ग मैनर, गलत ढंग से अगर हम किसी भी मटेरियल को उठाते हैं तो वो भी एक क्या है, एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है। नेक्स्ट इज द कि एक्सीडेंट जब होता है तो इसके असर क्या होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, मेडिकल कॉस्ट, जो कि कोई अगर किसी को चोट लगा है और वो हॉस्पिटल में है तो उसके ऊपर जो खर्च आएंगे डेट इज मेडिकल कॉस्ट। कंपनसेशन, अगर किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया तो उसके एवज में उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑन रिपर्चेस रॉ मटेरियल, एक्सीडेंट के कारण जो रॉ मटेरियल का नुकसान हुआ, ए मशीनरी का जो नुकसान हुआ उसको रिपर्चेज करने में उस पर कॉस्ट जाएगा। रिपेयर कॉस्ट ऑन डैमेज मशीनरी, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का नुकसान होगा, एंड लॉस्ट ऑफ फाइन्स एंड पेनाल्टी, जो पेनाल्टी लगेगी और फाइन्स उस पर लगेंगे उस पर कॉस्ट जाएगा। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से देखें तो इसका रेशियो 4:1 होता है। अगर डायरेक्ट कॉस्ट 1% है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट उसका 4 times होता है। ये आइसबर्ग थ्योरी है जो कि आगे हम बताएंगे आपको। तो इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, पुअर मार्केट इमेज, कंपनी का नाम मार्केट में खराब होगा, कारपोरेट इमेज उसका खराब हो जाएगा, वर्करों में मोरल है जो डाउन हो जाएगा, उसे काम करने की इच्छा वहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि उसे लगेगा यहाँ पे तो बहुत एक्सीडेंट होता है, यानी कि इनसिक्योरिटी फील करेगा और वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। लोगों का, बहुत सारे लोग हैं जो कि टॉप टू बॉटम उनके लॉस्ट टाइम उनका लॉस्ट होगा, जैसे कि वर्करों का, सुपरवाइजर का या टॉप मैनेजमेंट का जो कि इन्वेस्टिगेशन में जाता है उस समय, एंड शेड्यूल डिले होगा, कोई भी काम या प्रोडक्शन टाइम से नहीं मिलेगा, सो दिस इज अ शेड्यूल डिले एंड प्रोडक्शन डिले। लीगल फी उसे भरना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्सीडेंट होने के कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी हम चलते हैं कि अगर हम सेफ्टी फॉलो करते हैं साइड पे तो उसका बेनिफिट क्या क्या होगा। तो रिड्यूस वर्क रिलेटेड इंजुरी एंड इलनेस, इम्प्रूव, अगर वहाँ पे सेफ्टी अगर हम फॉलो करते हैं तो जॉब से रिलेटेड जो इंजरी होता है या इलनेस होता है वो नहीं होगा, और ये अगर नहीं होगा तो वर्करों का क्या होगा, मोरल ऑटोमेटिक अप होगा। तो यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट वही है, इम्प्रूव मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के मोरल को अप किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो कि रिड्यूस वर्कर कंपनसेशन कॉस्ट, वर्करों को कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, जब एक्सीडेंट नहीं होगा तो कंपनसेशन देने की जरूरत ही नहीं है। इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ वर्कमैन, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन।
तो उसके क्या हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होगा और उसे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अभी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।